नमस्ते दोस्तों, ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं होम्योपैथिक के अंदर आपको एक बहुत प्यारी दवा से परिचित कराऊंगा, जबकि ये दवा कोई रेयर मेडिसिन नहीं है, रात दिन काम में आने वाली बरसों से आजमाई हुई दवा है और इसके रिजल्ट इतने फाइन हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। बाकी थोड़े लक्षण मिलाना चाहिए। अब मैं आपको दवा का नाम बताता हूँ। इसका नाम है पूरा फाइटोलक्का डिकेंड्रा। आप खाली फाइटोलक्का के नाम से ही जाकर के अगर मांगेंगे तो आपको यही मिलेगी। पूरा नाम फाइटोलक्का डिकेंड्रा है। ये फाइटोलक्का डिकेंड्रा, अब मैं आपको बताता हूँ, अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। मुंह के अंदर का ऊपरी जबड़ा लाल होकर फूल जाना, अर्थात तालू का लाल होकर फूल जाना, तालू में सफ़ेद दाग जगह जगह बन जाना, तेज दर्द होने के साथ साथ दर्द धीरे धीरे बढ़कर कान, सिर, पेट, शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाने के साथ कुचलने जैसा दर्द महसूस होना और हिलने डुलने की तेज इच्छा करना तथा हिलने डुलने पर दर्द का बढ़ जाना आदि लक्षण होने पर फाइटो लेकर देना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर दांतों से संबंधित लक्षण, बच्चे में दांत निकलते समय दांत का मसूड़ों में मिसलने होने के साथ दांत काटने या दांतों किटकिटाने की इच्छा होना आदि लक्षण उत्पन्न होने पर बच्चे को फाइटो लेकर देना चाहिए। दांत किटकिटाने की आदत छूटती है और दांत आसानी से निकल आते हैं। इस औषधि के प्रयोग से दांत निकलते समय उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियों को ये ठीक करती है। ऐसी स्थिति में फाइटोलेका को 30 पोटेंसी के अंदर ही छोटे बच्चों को दो, आप दिन में तीन खुराक, 5-10 दिन दो, कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चों को शहद के अंदर दो बूंद डाल दो, मिश्री में डाल दो, चीनी में डाल के दे दो या पानी में डाल के दे दो। छोटे बच्चों को या उससे थोड़े से और बड़े हो जाएं तो बच्चों में होने वाली विसूचिका यानी कि पतले दस्त, हैजा जैसे होना, बच्चे को बुरे रंग का दस्त बार बार आने के साथ में दस्त में आव आना तथा दस्त में उत्पन्न कुछ अन्य लक्षण जैसे कोई भी चीज़ मुंह में देने से उसे काटने लगना, मसूड़ों में मिसलन होने के साथ अपने मसूड़ों व दांतों को चबाने की कोशिश करना आदि, ये लक्षण बच्चे में होने चाहिए। इस तरह बच्चे में उत्पन्न विसूचिका के साथ अन्य लक्षणों में फाइटो लेकर देना चाहिए। अस्तन का फूलकर कठोर होना बहन बेटियों के लिए बड़ी जबरदस्त दवा है। अस्तन का फूलकर कठोर होना तथा अस्तनों का गर्म हो जाने के साथ उनमें दर्द होना, बच्चे को दूध पिलाते समय अस्तनों का दर्द फैल कर पीठ तक पहुंच जाना आदि अस्तन रोगों में फाइटोलेका 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता देने से अस्तन का दर्द मिट जाएगा। कोई छोटी मोटी गांठ होगी तो वो भी भाग भूग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी के बाद पहली बार स्त्री के अस्तनों में दूध उतरने पर स्त्री में दूध बुखार के कारण अस्तन फूलने का विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में स्त्री को फाइटो लेकर 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए। ये औषधि अस्तन के अंदर मवाद बनने, घाव बनने, मुंह खुले रह जाने के कारण जलन युक्त घाव बन जाने के साथ घाव से बदबूदार स्राव होना, अस्तन का घाव से बदबूदार स्राव होना आदि अस्तन रोगों में फाइटोलेका
200 पोटेंसी दिन में 3 बार 10 या 20 दिन देना होगा और अपने चिकित्सक की राय ले लें। अस्तन के फोड़े तथा अस्तन में पड़ने वाली गांठों को समाप्त करने के लिए फाइटोले का 200 देना चाहिए। गले से संबंधित रोग, गले में जलन होना, तालू का फूल कर लाल होना, लाली के बाद जगह जगह सफेद धब्बे उत्पन्न होना, तेज दर्द होने के साथ कानों तक फैल जाना, गले के रोगों में फाइटोले का बहुत उपयोगी है। याद रखिए, फाइटोले का जो दवा है इसका मुख्य कार्य सेक्टर राइट है, मतलब जो शरीर के राइट तरफ की कोई भी तकलीफ है, जैसे मान लो आपको राइट हाथ में दर्द है या राइट जांग में दर्द है या कोई ऐसी चीज है या राइट जबड़े में दर्द है, तो फाइटोलेका से आराम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और साइडों में नहीं होता है, विशेष करके राइट साइड में ये बहुत जल्दी काम करती है। इसलिए हमें लक्षण पूछने पड़ते हैं, खाली यूं लिख देते हैं कि हाथ में दर्द है दवा बताइए, अब हम कैसे बताएं बताओ दवा, ये बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। हम पेशेंट को भी दोष नहीं देते, वो नहीं जानते कि अगले डॉक्टर को होम्योपैथी के अंदर लक्षण देखने होते हैं। हाँ, ये औषधि गलगंड यानी कि गले की गांठ को समाप्त करने में लाभकारी होती है। अधिक बोलने के कारण यदि गले में जलन महसूस हो तो रोगी को फाइटोलेका जरूर देना चाहिए। इसके सिर के लक्षण, सिर और पीठ में तेज दर्द होने के साथ पूरे शरीर में कुचलने जैसा दर्द होना, हिलने डुलने की इच्छा करने के बाद भी हिल डुल न सकना, हिल डुलने से दर्द का बढ़ जाना, रोगी अंदर सुस्ती पैदा होना, रोगी को सीधा बैठने से सिर चकराने लगना, थकान महसूस होना आदि रोगों में उत्पन्न ऐसे लक्षणों को दूर करने के लिए फाइटोलेका देना चाहिए। बुखार, तेज बुखार के कारण नाड़ी की गति तेज हो जाना, गर्मी मुख्य रूप से चेहरे तथा माथे पर महसूस होना, तो फाइटोलेका देना चाहिए। इस औषधि का मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में बुखार में देने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि रोगी को साइटिका रोग हो और रोगी के कुल्लों में कुचलने जैसा दर्द हो रहा हो तो रोगी को फाइटोलेका देना चाहिए, लेकिन राइट की तरफ की सियाटिका होना चाहिए। लेफ्ट की जो साइटिका जिनको है, आदमी को, औरत को या जिनको भी, उनकी दवाइयाँ अलग है, उनको फाइटोलेका न दें। अगर कोई दवा नहीं है तो दे दें तो लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये औषधि अस्थि वेष्ट के वात रोग, जिसमें दर्द सर्दी के मौसम में खास तौर पर बढ़ जाता है, ऐसे लक्षणों में फाइटोलेका देना चाहिए। फाइटोलेका हड्डियों, शरीर की त्वचा, अस्थि वेष्ट की ग्रंथियों पर लाभकारी प्रभाव डालती है। कभी कभी कुछ विशेष लक्षणों के कारण फाइटोलेका डिकेंड्रा के स्थान पर अन्य औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। फाइटोलेका, हाँ, अब मैं आपको थोड़ा इसका समझाता हूँ। देखिए, ये फाइटोलेका जो दवा है ये बड़ी जबरदस्त दवा है। मैं इस दवा को 50-45 साल से मैं काम में ले रहा हूँ, इसको कभी ये फेल नहीं गई। लेकिन ये एक ही बात करती है कि इसके जो लक्षण हैं, मान लो शरीर में दर्द है, आपकी जांग में दर्द है या आपके घुटने में दर्द है और वो राइट साइड है, आप डॉक्टर को जाके कहेंगे तो डॉक्टर होशियार होगा तो वो आपको पूछेगा कौन सी साइड में दर्द है। नहीं पूछता है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर नहीं समझता कुछ।
तो आप कहेंगे मेरे राइट साइड में, हाथ लगा के बताओ कौन सा राइट है, कि ये राइट है। लोकल भाषा में इसको काम करने वाला हाथ कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ समझदारी से काम लेना है। इस राइट शोल्डर में, कोहनी में, या कहीं भी अगर आपको दर्द है, या साइटिका का दर्द है, या घुटने का दर्द है, या कोई सा भी दर्द है, और कोई अगर आपको रोग नहीं है और तेज दर्द है, तो फाइटोलेका 200 पोटेंसी दिन के अंदर 3 बार 11 दिन लें। साइटिका को भागना पड़ेगा, दर्द को जाना पड़ेगा। और वैसे ही टेम्परेरी राइट साइड में दर्द आ गया तो एक खुराक 200 की फाइटोलेका आप ले लीजिए। इसके अलावा वैसे ही पीठ का जो पीछे का हिस्सा है वो भी राइट साइड में। कुल मिलाकर के ये दवा एक बहुत जबरदस्त पेन किलर है। अब ये दवा पेन किलर है, इसमें हरकत करने से रोगी को हरकत करता है तो तकलीफ बढ़ती है। इसकी एक सिस्टर दवा है, मैं उस पर अलग वीडियो दूंगा, उसका नाम है ब्राइनिया एल। ब्राइनिया एल में उसके लक्षणों में इतना फर्क है, ब्राइनिया एल का रोगी रेस्ट करता है तो उसकी सारी तकलीफें खत्म, कोई तकलीफ नहीं होती, और वो जरा सी भी हरकत करता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो फाइटोलेका कट हो गई और उस रोगी को ब्राइनिया देने से आराम मिलेगा, इसलिए ये उसकी सिस्टर दवा हुई। अब एक और इसकी सिस्टर दवा है, उसका नाम है रस्टोक्स। रस्टोक्स के अंदर क्या होता है, ब्राइनिया से उल्टा होता है। ब्राइनिया का पेशेंट लेटने से उसकी तमाम तकलीफें खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है, और रस्टोक्स के अंदर लेटने से जो तकलीफें आदमी को हो रही है और वो थोड़ा कमरे में इधर उधर टहलता है तकलीफ की वजह से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं, कोई सी भी तकलीफ हो, होम्योपैथिक कोई बीमारी के नाम से इलाज नहीं करती। तो अगर उसको हरकत करने से आराम मिलता है तो उसकी दवा रस्टोक्स हुई। तो ये तीनों दवा सिस्टर्स है, फाइटोलेका, रस्टोक्स और ब्राइनिया, तीनों सिस्टर्स दवा है। तो तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। ब्राइनिया का बहुत क्लियर लक्षण है हरकत करते ही तकलीफ बढ़ना, और रस्टोक्स का क्लियर लक्षण है कि जो हरकत करेगा तो तकलीफ कम होती जाएगी। जैसे रोगी के पैर में दर्द है, वो जो हिलाएगा उसको आराम मिलता जाएगा और लेटते ही उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, जबकि ब्राइनिया में लेटने के बाद आराम मिलता है। तो ये सारी चीजें पूछनी पड़ती है। फाइटोलेका दाहिने साइड की दर्द की दवा है, ब्राइनिया भी दाहिने साइड की दवा है, और रस्टोक्स न दाहिना न बायां, वो पूरे शरीर की दवा है, उसका बाद में वीडियो दूंगा। इस तरह से ट्रीटमेंट अगर लक्षण मिला के किया जाए तो ये फाइटोलेका बहुत उपयोगी दवा है। अब मैं इसकी एक और विशेषता आपको बता देता हूँ। शरीर के वजन को कम करने में होम्योपैथी के अंदर ये जो दवा है ये नंबर एक की दवा है, लेकिन अकेली दवा से कम नहीं होगा। हमने आगे पहले वीडियो में वजन कम करने के नुस्खों में इसका जिक्र कर दिया। तो वजन कम करने के अंदर आपको फाइटोलेका का मदर टिंचर सेवन करना होगा। फाइटोलेका मदर टिंचर और केलोट्रोपिस मदर टिंचर और फ्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर आप ये 30-30 ml ले आएं पैकिंग में और 100 ml के अंदर भर लें। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, फाइटोलेका का मदर टिंचर
और केलोट्रोपिस का मदर टिंचर और फ्यूकस वेसिकुलस का मदर टिंचर, इन तीनों को मिला दीजिए और 40-40 बूंद दिन के अंदर सुबह दोपहर रात को, आप 2-3 महीना लेंगे, आपका वजन ऐसे गायब होएगा जैसे कि छू। हर महीने तुल लीजिए, 2-4 किलो 2-4 किलो कम हो जाएगा। आप जो खा रहे हैं वो खाइए, जो पी रहे हैं वो पीजिए। तो ये जो फाइटोलेका है इसका मुख्य काम वजन को कम करना भी है। तो जिनको इसके कई पेटेंट बने हुए आते हैं, अगर आप होम्योपैथी की दुकान पे जाएंगे उनको कहेंगे मेरे को फाइटोलेका का मदर टिंचर चाहिए वजन कम करने के लिए, तो वो आपको क्या करेगा, देखो 2 रुपया जिसको ज़्यादा जिसमें कमाई होती है वो ही करता है, हम किसी को दोष नहीं देते। तो इसके कई पेटेंट बने हुए आ गए, फाइटोलेका बेरी कंपाउंड, फाइटोलेका डिकेंड्रा बेरी कंपाउंड मेड इन जर्मनी टेबलेट आती है और आती है, कई चीज़ें आती है, तो उनके अंदर भी जो मैंने दवाइयाँ बताई है उन दवाओं का मिश्रण होता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इतना इफेक्टिव नहीं जितना ये तीनों मदर टिंचर इफेक्टिव है। फाइटोलेका दाहिने ओर की जो साइटिका है ऊपर से कुल्ले से लेकर के पैर तक जाती है, उसकी बहुत अच्छी दवा है, दाहिने घुटने की दवा है, दाहिने एडी की दवा है, दाहिने कंधे की दवा है, दाहिने जबड़े की दवा है, दाहिने दांत की दवा है। फाइटोलेका डिकेंड्रा इसका नाम है। इसको जहाँ तक हो दर्दों में 200 पोटेंसी अकस्मात कोई दर्द हुआ हो तो, और जिनको लंबे समय से दर्द है और राइट साइड है तो फाइटोलेका 30 पोटेंसी दिन में 5 बार लगातार लें, जब तक दर्द नहीं जाता है लेते रहें। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर से राय करके 200 पोटेंसी भी दिन में अगर 3 बार ले लेते हैं 15 दिन, तो ये कोई नुकसान करने वाली दवा नहीं, इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों वीडियो बड़ा बन गया, अब मैं आपको 1-2 दिन बाद इसकी जो सिस्टर्स दवाइयां हैं रेस्टोक्स और ब्रायनिया, इनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। वैसे काफ़ी कुछ आज ही मैंने आपको बता दिया, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। देखिए हर आदमी का एक तरीका होता है वीडियो अपलोड करने का, कई लोग हैं जो पहले पूरी तैयारी करते हैं, वो करते हैं ये करते हैं, ट्यूनिंग होती है फूनिंग होती है, हमें ये सब कुछ भी नहीं आता, हम तो दारा सिंह है फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ना जानते हैं, हमें और कोई नियम उपनियम नहीं आते, कुछ भी नहीं आता हमें, हम तो डायरेक्ट ही जो काम है उसे करते हैं। तो कई लोग जो हैं बड़ा चढ़ा करके टाइटल के ऊपर लिखते हैं साइटी का गायब 10 मिनट के अंदर, और नीचे लिखेंगे कि 1 महीना दवाई लो। तो इस तरह के जो झूठ बोल करके होम्योपैथिक के ऊपर कलंक हैं वो लोग, वो डॉक्टर जो 3 दिन के अंदर ये चीज गायब, 2 दिन में ये चीज गायब, 1 शीशी हाथ के अंदर ऐसे लेकर के और आपको दिखाएंगे कि माइग्रेन 1 बूंद से खत्म, आपका कोलेस्ट्रॉल 2 गोली से खत्म। जो बहुत होशियार डॉक्टर हैं वो इन चीजों का सहारा क्यों लेते हैं, वो क्यों नहीं वीडियो बना करके समझाते हैं
क्यों गुमराह करते हैं। एक वीडियो जिसके सब्सक्राइब कोई 10-12 लाख होंगे तो वो इसके ये अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए के 2 गोली लीजिए और कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाएगा। तो हमने देखा यार ये तो बहुत जबरदस्त काम है। फिर हमने पढ़ा तो 2 गोली का नाम पढ़ा कोलेस्ट्रिनम 3X, तो वो उसकी दवा है लेकिन 2 गोली से कुछ नहीं होता, कई दिनों तक दिन में 4 बार लेनी होती है। तो जो ऊपर लिखा है या तो वो चीज उस वीडियो के अंदर सत्य साबित करे या इस तरह के टाइटल न दे। टाइटल देते ही क्या है, रोगी आकर्षित होकर के और वीडियो ओपन करता है। ये लोग मुफ्त की खाते हैं, मैं मुफ्त की नहीं खाता। मैं जो लिखता हूँ ना वो ही बताऊँगा, जो लिखा हुआ है वो समझाऊँगा और जो मेरे अनुभव के अंदर आया है मैं आपको वो ही बताऊँगा, उसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं बताऊँगा। मैं एक पुराना होम्योपैथिक आयुर्वेदाचार्य, मेरे पास सब तरह की डिग्रियां है। मैं 14-15 साल की उम्र में पढ़ाई कम करी और इनकी पढ़ाई ज़्यादा करी हूँ, मान के चलो। अपने काम धंधे की वो ध्यान कम दिया, इसमें ज़्यादा लगा रहा। मैंने कई जगह धक्के खाए, एक से एक दिग्गज होम्योपैथिक से मैं मिला हूँ, एक से एक होम्योपैथी की बुक्स मेरे पास, इतनी बुक्स हैं कि मेरे में वजन है उससे भी ज़्यादा मेरे पास बुक्स हैं। और ये लोग हैं जो इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। और आजकल विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी, ये विटामिन जो ए डी सी डी जो भी है ये एलोपैथिक है। ये होम्योपैथिक वाले उसका क्यों लाभ उठाते हैं? अब ठीक है, जिसकी जो मर्जी। दोस्तों मैं काफ़ी, ये 22 मिनट का वीडियो हो गया, मैं समा चाहता हूँ। और मेरी बात का किसी को अगर थोड़ा सा भी आघात लगे तो हाँ, मैं जाते जाते एक बात और बता देता हूँ आपको। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत अच्छे डॉक्टर महोदय को मैंने, जो उसका टाइटल था उसके बारे के अंदर मैंने उसको सब्सक्राइब किया पहले, तो फिर निवेदन किया, मैंने कहा जो ऊपर लिखा है वो इसके अंदर आपको वीडियो में नहीं मिल रहा, आप रिप्लाई करें। तो रिप्लाई आ ही रही है मेरे को। इस तरह की धोखाधड़ी पेशेंट के साथ करना हत्या करने के बराबर है।